असलकम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज आपको दिखाता हूँ सोलर पे एसी का क्या हिसाब किताब, कितना खर्चा है, और सोलर की सेटिंग दिखाता हूँ कहाँ पे रखोगे और अम्पेयर कम होंगे ज़्यादा होंगे, सब कुछ आपको दिखाता हूँ। आ जाओ मेरे साथ। ये आप देख लो रिमोट की सेटिंग इको सिस्टम, अगर आप इसको दबाओगे तो I0 आएगा, इसके बाद L1 L2 आएगा। L2 पे ये बिल्कुल कम खर्चा करता है, आप अंपायर चेक करें अभी, L2 पे ये बिल्कुल कम हो जाएगा, ये अंपायर गिराना शुरू कर देगा। अभी आप देखेंगे 3 अंपायर पे पहुंच जाएगा। ये आस्ते आस्ते अंपायर कम कर रहे हैं, आप देखते जाएं। ये 3 पे आ जाएंगे एम्पेयर। अगर आप इसको L3 पे रखेंगे इकोसिस्टम को तो ये 2.5 पे आ जाएगा। अभी ये नीचे आ रहा है, देखते जाएं। ये देख सकते हैं 20 पे मैंने रखा हुआ है, इसे आप 16 पे रखें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन 16 पे रखना नहीं चाहिए। 16 पे रखने से क्या नुकसान है, 16 पे रखने से कंप्रेसर बंद नहीं होता और सारा दिन चलता रहता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ कम हो जाती है। ये देखो अभी भी नीचे जा रहा है, 3-4-5 मिनट में ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ये मैंने अभी L3 कर दिया है, इसका मतलब है ये 1 टन से भी कम हो गया है इसका खर्चा। ये देखें अंपायर और भी नीचे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, एसी का खर्चा बिल्कुल कम हो जाता है। अभी और भी नीचे जाएगा, इससे आपकी बिजली की बहुत बचत होगी। ये हायर का एसी है, इन्वर्टर एसी, देख सकते हैं। ये 3 पे जाएगा, जब ठंडक पूरी हो जाए तो 2 पर आकर रुक जाएगा। तीन चार या 3 अंपायर पे आ चुका है, और ये इन्वर्टर हायर का इन्वर्टर है, सोलर सिस्टम पे चल रहा है, ऊपर 6 प्लेटें लगी हुई हैं। सोलर सिस्टम के साथ एक एसी और एक फ्रिज, एक UPS इस वक्त चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तीन चार या 6 पे आकर रुक गया। DC इन्वर्टर हायर का, तीन चार या 5, 3-6 पे रुक गया। अभी इसको फिर S0 पे किया, आपको चेक करवाते हैं, अंपायर ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे।
ये चेक करो, ये अभी S0 का मतलब है 2 टन पे हो गया, अभी ये ऊपर जाना शुरू हो गया। इसको अब हम 16 पे करते हैं, क्या करता है देखो। छः एम्पायर पे चला गया है, 6, 13, 14, 15, 16। एस ए सी में बहुत सारे फंक्शन हैं, हमने फिर इसको 20 पे कर दिया है चेक करने के लिए, आपको दिखाने के लिए ये क्या करता है। सात अंपायर पे चला गया, ये S0 पे 2 टन पे अभी चल रहा है। चार चार या 5, सात चार या 8, सात चार या 9, आपको इन्वर्टर दिखाते हैं, इन्वर्टर में कितने वार्ड हैं इसमें का।